ओ, माँ बेटे में क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं बाबा। हाँ, वाकई ऐसा है? अलाउद्दीन, तुम राज रखने वाले हो क्या? अपने बाबा से भी छुपाओगे? अस्तग़फ़िरुल्लाह बाबा, आपको बताऊंगा लेकिन सही वक्त आने पर। ठीक है, तो क्या ओरहान पुरसुकून हो गया? जी बाबा, अब पुरसुकून है वो। इजाजत दीजिए बाबा। इजाजत है। माला खातून, चलो बताओ मुझे, अब ये किसे चाहने लगा है? मुझे बताएं आपके जहन में क्या है। चलिए बताइए बाबा उस्मान। अपने बेटे की नजरों को जानता हूं मैं। हाँ अलाउद्दीन को गूंजा से मोहब्बत है। माशाल्लाह, उस्मान साहब को देखें जरा। रियासत के फराइज मुख्तलिफ हैं बच्चों के फराइज से, बस कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अलाउद्दीन ने गौंजा से सारे मोहब्बत कर दिया, मगर गौंजा उसे मोहब्बत नहीं करती। अगर तो ऐसा है तो कल गूंजा की आंखों में झांक कर देखना, तुम भी जवाब मिल जाएगा, उसके मुताबिक अमल करना वाला। आप फिक्र ना करें। ये नहीं हो सकता। मुमकिन नहीं हो सकता। इस तरह फौरन से इनकार ना करें ओलिविया खातून, पहले अच्छी तरह सोच लें। मुमकिन नहीं है ये याकूब साहब। सुना है आपको तजारत में काफी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। अगर हम रिश्तेदार बन जाएं, तो इन मसाइल को आसानी से हल कर सकते हैं। तजारत और सोना, ऐसी बातें मेरे लिए अहमियत की हामिल नहीं है सादत खातून। होलो फिरा ईसाई है और आप लोग मुसलमान हैं, और होलो फिरा को हरगिज मुसलमान नहीं होने दूंगी मैं। और हमारा ऐसा कोई इरादा भी नहीं। होलो फिरा जैसा आप चाहेंगी वैसे ही रहेगी। बहुत आसान है ये सब कहना, मैं कैसे यकीन कर लूं कि शादी हो जाने के बाद इरादा नहीं बदलेगा। ये मौजूदा मसला नहीं है ओलिविया खातून। हम किसी को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकते। ये कोई छोटा मसला नहीं जो हम शादी के लिए नजरअंदाज करते हैं। जब तक मैं जिंदा हूं होलो फिरा मुसलमान नहीं हो सकती, हरगिज नहीं हो सकती। ये मेरा आखिरी फैसला है। ऐसा ही है ना होलो फिरा? जी ऐसा ही है। किसी सूरत भी इस्लाम कबूल नहीं करना चाहती हूं, ना तो आज और ना ही कल। हम होलो फिरा को कभी मुसलमान होने पर मजबूर नहीं करेंगे। हमारी जमीनों पर बहुत से मसीही रहते हैं। आप पूछ सकती हैं कि हमने कभी किसी को मजबूर किया हो। हम अभी जवाब चाहते हैं। ये बहुत अहम मसला है।
सोचने का वक्त दे मुझे। तो फिर ठीक है, हम आपकी तरफ से खुशखबरी का इंतजार करेंगे। अब हमें इजाजत दीजिए। सिपाहियों, क्या तैयारियां हो गई मुकम्मल? अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ तैयार है जनाब। माशाल्लाह माशाल्लाह। ए हान आगा, गलीज काफिर हमारे दरमियान रहता रहा है। उसने पीठ में छुरा घोंपा है, उसके अंजाम का वक्त आ गया है। हमारे लोग नहीं जानते कि किस पर भरोसा करना चाहिए। हमारे मौजूद होते हुए उन्होंने हमारे लोगों को खौफजदा कर दिया है। वो साया बनकर हमला करते हैं, हम भी वैसा ही करेंगे। हम रुकने वाले नहीं हैं। अगर एहान चला गया तो उसकी जगह वासिलिस आएगा, अगर वो चला गया तो उसकी जगह कोई और आ जाएगा। फिर से वो कोशिश करते रहेंगे, हम भी कोई शक नहीं यूं ही लड़ते रहेंगे। हुजूर, हम आपके साथ हैं हमेशा। जो हक की राह पे चलता है वो सबसे पहले सुकून पीछे छोड़ता है। हमें खड़े रहना है तो आवाम का सुकून बहाल रहना चाहिए। जालिमों को जड़ से उखाड़ देंगे ताकि वो फिर से हम पर दबाव डालने का सोच भी ना सके। ये रास्ता जिहाद और फतह का है। अरे माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए सिपाहियों, करारगाह में तैयारियां यूं ही जारी रहेंगी। हुजूर, हम करारगाह में तैयारियां मुकम्मल कर ही लेंगे आपके हुक्म के मुताबिक, और अपने रास्ते पर चलना भी जारी रखेंगे। और ये बात उस काफिर तक भी पहुंच चुकी होगी। हाँ। यानी शहर में तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं हुजूर। हाँ, माशाल्लाह। हर कोई अपना फर्ज जिम्मेदारी से निभाए। और हां जनाब, अगर तुम्हारा जहन किसी उलझन का शिकार है तो जंग पर मत जाना। ऐसा नहीं है बाबा, मसला जो भी है जंग पर जाने से आप मुझे मत रोकिए। जो मसला दिल का है उसे दिमाग तक नहीं पहुंचने दूंगा, और अगर ऐसा हो भी जाए तो जंग में मुझे कोई भी नहीं शिकस्त दे सकता। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने तुम्हें यनी शहर उस्मान की हर हरकत से आगाह करने के लिए भेजा था जैरकुताई। तुमने मुझे उस्मान के काफलों पर छापे के बारे में क्यों कुछ नहीं बताया? सुल्तान, वो अभी तक मुझ पर भरोसा नहीं करते, वो मुझे सबसे दूर रखते हैं। ये नहीं हो सकता। जल्द से जल्द उनका एतमाद हासिल करने की कोशिश करो, या तुम्हें कुछ शक है? क्या यानी शहर में तुम्हारी मौजूदगी ने तुम्हारे अंदर का गुस्सा बुझा दिया है? नहीं, उन्होंने तुम्हें तुम्हारे बेटे से कई बरस दूर रखा।
कई बरस तुम कैदी रहे लेकिन किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, कोई तुम्हारी तलाश में नहीं निकला। भूल गए हो क्या? नहीं भूला हूं। छोड़ दिया था उन्होंने तुम्हें, मैंने तुम्हें आजाद करवाया। मैं तुमसे कोई कीमत नहीं चाहता। उम्मीद है कि तुम अपनी रियासत और मिल्लत की खिदमत करोगे। मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक पूरी कोशिश करूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। अब तुम जाओ और ख्याल रखो, मैं खबर का इंतजार करूंगा। इजाजत दीजिए मुझे। नरकुताई, अगर वो तुम पर भरोसा ना करें तो भूलना मत, मुझे तुम पर भरोसा है। समझ गए? जी मेरे सुल्तान। वालिदा, बुलाया मुझे? क्या मुझे बताने को तुम्हारे पास कुछ है कौनजा? कुछ भी नहीं। दूसरी बार है कि तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल रही हो। मैंने तुम्हें एक काम सौंपा था, अलाउद्दीन को अपने इश्क में गिरफ्तार करना था। क्या किया तुमने? तुमने उस शख्स को ठुकरा दिया जिसने तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था? क्यों? जब सब कुछ हमारी मर्जी से हो रहा था तो तुमने ऐसा क्यों किया गौंजा? आपको यह सब कैसे मालूम हुआ? कोई जासूस छोड़ा है मेरे पीछे? कौन है? मजबूरन करना पड़ा। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला गौंजा? तो ये भी जानती होंगी कि कल मैंने आपसे झूठ क्यों कहा था वालिदा? जानती हूँ। अलाउद्दीन से मोहब्बत हो गई तुम्हें गौंजा? आखिर क्यों? बहुत हो गया वालिदा, बहुत हो गया। बहुत हो गया वालिदा, आप नहीं जानती, आप में से कोई नहीं जानता, आप मुझे नहीं समझ सके। तुमने मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा गौंजा। अब जैसा मैं कहूंगी बस वैसा ही होगा। फौरी उस्ताद घेरा को खबर करो। उस्मान, उस्मान अपनी तमाम हुदूद पार कर चुका है। वो समझता है वो नाकाबिले शिकस्त है। जब भी हम पीछे हटते हैं तो वो समझता है कि उसने हमें हरा दिया, लेकिन वो नहीं जानता कि किताई की दीवारें देखने से पहले ही वो यनी शहर खो बैठेगा। मैं उस उस्मान को यनी शहर के अंदर सबके सामने मार डालूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन सिर्फ यनी शहर ही नहीं, जब तुम यनी शहर तबाह कर रहे होगे, मैं उस्मान की करारगाह पे हमला करके उसका सर काट दूंगा। बहुत खूब, बहुत खूब। आइजल, सिपाहियों को तैयार करने को कहो, हम उस्मान की करारगाह पर हमला करने जा रहे हैं।
सही, हम उन्हें नीस तो नाबूद कर देंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हम ये मिलकर करेंगे मंगोल। गरो उस्मान एक मोहतात शख्स है, अपना हर कदम सोच समझ कर उठाना, कोई गलती ना हो। हम यानी शहर में हर जगह बारूद फैला देंगे। एहान मर चुका है, आज उस्ताद गेरा मुलाकात करेगा उस्मान से। जनाब उस्मान और उसके सिपाही शहर छोड़ चुके हैं। बहुत आला, वो लम्हा आ चुका है जिसका इंतजार था हमें। क्या होलो फेरे का रिश्ता दे दिया उन्होंने? फातिमा मेरी प्यारी बेटी, अब से तुम किसी के सामने नहीं बोलोगी, समझ गई? मैंने क्या किया वालिदा? भाई को परेशान देखकर मेरे मुंह से निकल गया। खामोश रहा करो, अपनी जबान को काबू में रखो। बाला, हाँ? अलाउद्दीन से बात हुई तुम्हारी? फातिमा ने सही सुना था, गौंजा मोहब्बत नहीं करती उससे, लेकिन अलाउद्दीन को यकीन नहीं है। ये वाज़ह है कि वो अपने बाबा से खौफज़दा है। डरने वाली लगती तो नहीं मुझे, मगर हाँ नहीं लगती, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, जान लेंगे। जब हमारे बच्चे छोटे थे तो बहुत जिद्दी थे, सोचा था बड़े होंगे तो जिद छोड़ देंगे, लेकिन इन लोगों ने अपनी आदतें नहीं छोड़ी। उम्मीद है कि ये ठीक हो जाएगा। लगता है इनकी शादियों के बाद ही दोनों सुख का सांस लेंगे, इंशाल्लाह। मगर हम इसकी शादी किससे करेंगे मलहून? नहीं, ये हमेशा मेरे साथ ही रहेगी, मैं इसकी बातें हमेशा इसी तरह सुनना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, आप ही के साथ रहूंगी मैं। गौंजा खातून, मैं उनसे थोड़ी सी बात करके आती हूँ। नहीं तुम नहीं जाओ फातिमा, मैं जाती हूँ। मैंने तुमसे क्या कहा था वालिदा? चलो काम में मेरी मदद करो।